अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ फोर्थ ईयर, ये आपका एजुकेशन का लेक्चर है। आज थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं जो है नशोनुमा की माहियत। ठीक है, फर्स्ट टू चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं और ये चैप्टर जो है ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो लाजमी आपका सब्जेक्टिव आता है, तो इसको जो है वो समझ के पढ़ें और थोड़ा सा जो है ये डिफ़िकल्ट भी है, इसलिए साथ साथ इसको याद भी करते जाएं। अच्छा जी, इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती जाती हूँ। हम गुज़िश्ता दो अवाब में तालीमी नफ्सियात की माहियत और उस्ताद के लिए इसकी अफादियत का मुताला कर चुके हैं, यानी तालीमी नफ्सियात के जो है वो क्या क्या बेसिक डेफिनेशन है और साथ साथ उस्ताद के लिए जो है यानी टीचर के लिए इसकी क्या अफादियत है। अब हम नमूई नफ्सियात डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का मुताला करेंगे, लेकिन याद रहे कि हमारा मुताला सिर्फ बच्चों की नशोनुमा तक महदूद रहेगा। ठीक है, पहले आपने एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ा था और अब आप इस चैप्टर में डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ेंगे, ताकि हम ये चीज़ समझ सकें कि बच्चे की जो एक डिवेलपमेंट है फिज़िकल और मेंटल दोनों, वो किस तरह से उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी पर असरअंदाज होती हैं या कौन से ऐसे अवामिल हैं जो उसकी डेवलपमेंट को मुतासिर करते हैं जिसकी वजह से उसकी लर्निंग या आमोजिश इफ़ेक्ट होती है। लेकिन याद रहे कि हमारा मुताला सिर्फ बच्चों की नशोनुमा तक महदूद रहेगा। इस बाब में नशोनुमा की तारीफ़ और इसके असूलों के बारे में मालूमात दर्ज की जाएंगी। नीज नशोनुमा की तालीमी अहमियत का भी जायज़ा लिया जाएगा। ठीक है, यानी डेवलपमेंट की डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं और उसके असूल डेवलपमेंट के नशोनुमा के असूल कौन कौन से हैं, किन असूल बुनियादी असूलों पर जो है वो नशोनुमा का अमल जो है वो वकू पज़ीर होता है एक इंसानी जिस्म में और बच्चे के जब बच्चे की जो है डेवलपमेंट हो रही होती है, और इस नशोनुमा का जो है वो तालीम जो तालीमी कैरियर है बच्चे का उस पर किस किस्म के असरात मुरतब होते हैं। ठीक है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी नशोनुमा की माहियत, यानी इंग्लिश में आप कहेंगे इसको डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो है वो क्या है उसकी डेफिनेशन। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट डील्स विद प्रोग्रेसिव स्टेजेस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, मुख्तलिफ जो एज के गुजरती हुई एज के साथ साथ जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो उसके जो किरदार में या उसके बिहेवियर में या शख्सियत में जो जो तब्दीलियां आ रही होती हैं उसको हम डेवलपमेंट या प्रोग्रेसिव स्टेजेस की तरफ जो है यानी प्रोग्रेस कर रहा होता है वो उसकी बढ़ोतरी हो रही होती है, तो उस वजह से या उस दौरान उसके किरदार में या उसकी शख्सियत में जो जो तब्दीलियाँ आती हैं वो सब जो है वो डिवेलपमेंटल साइकोलॉजी के अंडर आएंगी। ठीक है, नशोनुमा की तारीफ यानी इसकी जो है वो तारीफ क्या क्या है। अच्छा, इससे पहले कि हम नशोनुमा की तारीफ बयान करें यह बताना ज़रूरी है कि इंसान एक उज़्विया है जो कि अफ़ज़ाइश और नशोनुमा के मदारिज तय करता है। ठीक है, यानी इंसान जो है उसकी कौन कौन सी ऐसी स्टेजेस हैं जिस पे उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है। नशोनुमा की जो है डेफिनेशन समझने से पहले हम ये देख लें कि इंसान की जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वो कितनी हैं। इस्तकरार हमल से लेकर पैदाइश तक एक अमल है और पैदाइश के बाद से तफूलियत, बचपन, बलूगत, पुख्तगी और बुढ़ापे के मनाज़िर हैं। ये बेसिक डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं जो कि डिवाइड की हुई हैं मुख्तलिफ स्टेजेस में जो इंसानी ह्यूमन डेवलपमेंट है वो डिवाइड की हुई है डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट ने। जिस्म और जहन की नशोनुमा आहिस्ता आहिस्ता होती है और मुख्तलिफ सलाहियतें मुख्तलिफ दौर में ज़ाहिर होती हैं। जो हमारा जिस्म है और हमारा जो बॉडी और माइंड है इसकी डिवेलपमेंट जो है वो
फिज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट दोनों जो है वो ग्रेजुअल और स्लो प्रोसेस है, और मुख्तलिफ जो एबिलिटीज़ हैं या सलाहियतें हैं इंसान की वो मुख्तलिफ अदवार में वक्त गुजरने के साथ साथ प्रोग्रेसिवली उसके ज़ाहिर होती हैं। निज़ाम अस्पी में भी नशोनुमा का सिलसिला जारी रहता है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसकी भी डिवेलपमेंट जो है वो विद पैसेज ऑफ टाइम मुसलसल हो रही होती है। इंसान की फितरत को समझने के लिए अफजाइश और नशोनुमा के मुंदरजा ज़ेल मदारिस का मुताला करना ज़रूरी है, जिनके बगैर हम इंसान की फितरत को नहीं समझ सकते। यानी वही जो बेसिक इंसान के डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं 6 जो साइकोलॉजिस्ट ने बताए हैं, डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट ने, वो क्या हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, उनकी टाइम एज पीरियड जो है वो कितना होता है, कितने साल से कितने साल तक कौन सी स्टेज जो है वो इंसान की चल रही होती है डेवलपमेंट की, वो उसके समझे बगैर हम इंसान की फितरत या उसकी नेचर का जो है वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इंसानी अफजाइश और नशोनुमा के अहम मुंदरजा ज़ेल मदारिज में तकसीम कर सकते हैं। इस्तक़रार हमल और कबल पैदाइश का ज़माना, ठीक है, ये नंबर 1 स्टेज हो गई इंसान की। नंबर 2 पे पैदाइश से शीर ख्वारगी तक का ज़माना, यानी एक न्यू बॉर्न से लेके शीर ख्वारगी तक का 4 से 5 साल तक की एज के जो बच्चे की जो एज होती है वो वाला टाइम पीरियड, उसके बाद बचपन 5 साल से लेके 13 साल तक की एज का जो टाइम बच्चा गुजारता है जिसको हम उसका चाइल्डहुड या बचपन कहते हैं, उसके बाद बलूगत 13 साल से 18 साल की उम्र तक जिसको हम एडोल्सन पीरियड कहते हैं। नंबर 5 जवानी और पुख्तगी का दौर, ठीक है, यानी मेचोरिटी का दौर वो हमारा होता है 18 साल से लेकर 40 साल तक, और फिर उसके बाद आता है बुढ़ापा यानी ओल्ड एज जो कि 45 साल से 45 या 50 साल के बाद शुरू होती है, ठीक है, 45 और 45 या 50 इयर्स के बाद जो है वो ओल्ड एज डेवलपमेंट, ओल्ड एज में जितनी भी डेवलपमेंट्स होती हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। Developmental stages refers to the period in person's life that is characterized by specific cluster of traits. यानी मुख्तलिफ हर जो इसमें 6 मुख्तलिफ मदारिज बताए गए हैं नशोनुमा के, उसमें हर दर्जे में इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ खसूसियात या उसकी सलाहियतें जो हैं वो सामने आती हैं या नमूदार होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे नशोनुमा की तारीफ के, नशोनुमा की जो है डेफिनेशन या डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है वो क्या है। इंसानी नशोनुमा से मुराद वो जुमला तगैरात और तब्दीलियाँ हैं जो किसी फ़र्द में ज़िंदगी के आगाज़ से लेकर एक मखसूस अरसे तक नुमा होती हैं। डेवलपमेंट मीन्स मोर एडवांस्ड ग्रेटर अनफोल्डमेंट एंड गोइंग फॉरवर्ड टू ग्रेट मेच्योरिटी, ठीक है। इंसानी नशोनुमा से मुराद वो तब्दीलियाँ हैं, वो चेंजेस हैं जो इंसान के पैदाइश से लेकर एक मखसूस एज तक उसमें रोनुमा होती रहती हैं। वो बिहेवियरल चेंजेस भी हो सकती हैं और वो फिज़िकल और डेवलपमेंटल चेंजेस भी, मुख्तलिफ यानी काम करने की उसको सलाहियतें वक्त के साथ साथ गुजरते वक्त के साथ साथ वो उनको प्रैक्टिस करता जाता है। ये सब चेंजेस जो हैं फिज़िकल और मेंटल दोनों डेवलपमेंटल चेंजेस इंसान में नशन जो आती हैं वक्त के साथ साथ एक मखसूस एज तक वो नशोनुमा कहलाती हैं। अब इसमें मुख्तलिफ जो माहिरीन हैं उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशंस बताई हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बकौल डॉक्टर अब्दुलरऊफ। बकौल डॉक्टर अब्दुलरऊफ बच्चों की नशोनुमा का सिलसिला पैदाइश से शुरू होता है, उनकी यानी बच्चों की जो डेवलपमेंट स्टार्ट होती है वो उनकी पैदाइश से शुरू हो जाती है और बलूगत तक जारी रहती है। जो एडोल्सन पीरियड है जो 13 से 18 साल तक की उनका टाइम है, वो तब तक उनकी नशोनुमा ये डेवलपमेंट होती रहती है। नशोनुमा का मतलब वो तमाम तगैरात हैं जो किसी फर्द में इस अरसे के दौरान में रूनुमा होते हैं, यानी नशोनुमा इन तमाम जिस्मानी ज़हनी मुआशरती जज्बाती तब्दीलियों का बाज़ाब्ता मुताला है जो बच्चे में तजुर्बात हादसों तालीम और तरबियत वगैरह के नतीजे के तौर पर रूनुमा होते हैं, ठीक है। अब इसमें नशोनुमा से मुराद वो तमाम चेंजेस हैं यानी प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं जो एक बच्चे में बकौल डॉक्टर अब्दुलरऊफ बचपन से लेकर पैदाइश से लेकर और 18 साल की उम्र तक जितनी भी तब्दीलियां उसके
किरदार में, उसकी शख्सियत में, उसके बातचीत में, उसके सोचने और समझने के तरीक़ों में जितनी भी तब्दीलियाँ आई वो सब उसकी नशोनुमा। और ये तब्दीलियाँ जो हैं एक तो बायोलॉजिकल होती हैं, दूसरा एनवायरमेंटल भी होती हैं, यानी उसके इर्द गिर्द का जो माहौल है, उससे जो तजुर्बात उसने हासिल किए मुख्तलिफ हादसों के सूरत में या तालीम व तरबियत की वजह से, जितनी भी तब्दीलियाँ उस बच्चे में 18 साल की उम्र तक आई वो सब जो है वो उसकी नशोनुमा है। बच्चों का तखय्युल, किरदार और शख्सियत इन तब्दीलियों से मुख्तलिफ तरीके से मुतासिर होता रहता है। ये वो तब्दीलियाँ हैं जो बच्चों की तखय्युल, इमेजिनेशन, किरदार, उसके जो कैरेक्टर है और उसकी शख्सियत, पर्सनैलिटी और बिहेवियर, इन सब पे जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से असरअंदाज होती हैं। वालदैन और मौलमीन के लिए इन सब तब्दीलियों का इल्म मुफीद भी है और ज़रूरी भी। और जो बच्चे के पेरेंट्स हैं या उसके जो टीचर्स हैं, उनके लिए इन चेंजेस का जो है, इनसे इनका नो हाउ होना या इनसे मुतला होना बहुत ज़रूरी भी है और फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि वालदेन को बच्चे की परवरिश करने में और एक उस्ताद को बच्चे की तालीम व तरबियत करने में ये चेंजेस बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकते हैं अगर वो इनको पहले से जानते होंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाएं एंडरसन के नज़दीक। एंडरसन के नज़दीक नशोनुमा एक ऐसा अमल है जिसमें जिस्मानी बनावट की इंचों के एतबार से बढ़ोती ही को नहीं देखा जाता, या इसे काबिलियत की मकदारी तब्दीली ही का नाम नहीं दिया जाता, बल्कि नशोनुमा का अमल पेचीदा और मजबूत है जिसमें बहुत सी बनावट और इनके आमाल अफ़ाल को एक दूसरे के हवाले से समझने की कोशिश की जाती है। इस रब्त का यह नतीजा होता है कि एक दर्जे में वाक़ होने वाले हर तब्दीली गुज़िश्ता मदारिज में होने वाली तब्दीलियों के बुनियाद पर वाक़ होती है और आने वाली तब्दीलियों के लिए मौजूदा तब्दीली बुनियाद फराहम करती है। एंडरसन के नज़दीक जो है नशोनुमा एक ऐसा अमल है जिसमें सिर्फ ये नहीं देखते हम कि बच्चे का कद बढ़ा है, इसके हाथ पांव लंबे हो रहे हैं, इसके जो है वो हेड साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, बल्कि इसके साथ साथ नशोनुमा एक इंतहाई या उसके कद बढ़ने की वजह से जो है वो चीज़ें जो पहले उसके हाथ में वो हाथ बढ़ा के नहीं उठा सकता था या उतार सकता था वो कर सकता है, मुख्तलिफ काबिलियतें उसमें डेवलप हो रही हैं। इसके अलावा नशोनुमा एक इंतहाई पेचीदा या कॉम्प्लेक्स जो है वो अमल है और मरबूत है जिसमें बहुत सी बनावटें और इनके आमाल व अफ़ाल को एक दूसरे के हवाले से समझने की कोशिश की गई है। और ये सारी जो चेंजेस हैं ये एक दूसरे से जो बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है और उसके अंदर जितनी चेंजेस आ रही हैं वो इंटरलिंक्ड हैं, यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और इसी की वजह से जब एक चेंज आती है तो बच्चे में एक चेंज, नई चेंज नज़र आती है। जैसे बच्चा पहले जो है बैठना सीखता है, उसके बाद कोई चीज़ पकड़ के खड़े होना सीखता है, फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता क्रॉलिंग करना सीखता है और उसके बाद वो चलना सीखता है। अब ये नहीं हो सकता कि बच्चे ने बैठना सीखा है और वो डायरेक्ट खड़े होके चलना सीख ले, वो पहले कोई चीज़ का सहारा लेके उसको पकड़ के खड़े होना सीखेगा, उसके बाद एक एक दो दो कदम बढ़ा के चीज़ों को सहारा लेके चलना सीखेगा, उसके बाद जो है वो उसकी चलने की प्रैक्टिस होगी। तो एक स्टेप से बीच के तमाम स्टेप्स स्किप करके लास्ट स्टेप पे नहीं आ सकते। तो नशोनुमा वो चीज़ है जो गुज़िश्ता मदारिज में होने वाली तब्दीलियों की बुनियाद फराहम करती है। ठीक है। एक दर्जे में वाक़ होने वाली हर तब्दीली गुज़िश्ता मदारिज में होने वाली तब्दीलियों की बुनियाद फराहम करती है और आने वाली तब्दीली के लिए मौजूद तब्दीली बुनियाद फराहम करती है, यानी पिछली जो तब्दीली आई थी, अब जो तब्दीली आई है उसकी बुनियाद पिछली तब्दीली थी और अब जो तब्दीली है वो आने वाली तब्दीली की बुनियाद होगी। ठीक है। यानी इंटरलिंक चेंजेस हैं ये सारी जितनी भी डेवलपमेंट में एक इंसान के होती हैं। जस्टिव कहता है, अब जस्टिव की डेफिनेशन पढ़ लें। जस्टिव लिखता है, नशोनुमा एक वसी तर इस्तिलाह है जो तब्दीली के इन तमाम अवामिल पर मुश्तमिल है जिनसे फ़र्द की जुमला खूबियाँ जन्म लेती हैं और उभरती हैं और नई काबिलियतें और आदात और अतवार की सूरत में जाहिर होती हैं। जस्टिव लिखता है कि नशोनुमा एक बहुत यानी वास्ट डेवलपमेंट जो है वो एक बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है एक इंसान के लिए। इसमें तमाम तर उसकी जितनी भी एबिलिटीज़ डिवेलप होती हैं और
नई काबिलियतें जन्म लेती हैं और आदत व अतवार की सूरत में ज़ाहिर होती हैं, यानी मुख्तलिफ काम जो काम वो पहले करने के काबिल नहीं होता, उसके अज़ा इतने मजबूत नहीं होते, वक्त गुजरने के साथ साथ वो काम या वो स्किल्स जो हैं वो उसमें डेवलप होते चले जाते हैं और वो उनके काबिल बनता चला जाता है। इसमें अमूमन बालिदगी, बलूगत, तालुम और तहसील इल्म जैसे नतायज शामिल हैं जो तवील उम्याद अमल के हामिल होते हैं और जिनको फिर से पलट कर इब्तदाई और गुज़श्ता सूरतों में लौटाया नहीं जा सकता। मसलन अगर जिस्मानी बालिदगी में बचपन या शिरखोरगी का मरहला गुजर जाए तो फिर से बलूगत को बचपन के मरहले की तरफ ले जाना नामुमकिन है। ठीक है, अब ये जितनी भी चेंजेस इंसान में आती हैं नशोनुमा के सूरत में, उसकी चाहे फिज़िकल है या मेंटल है, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। एक एज जो आपका एक दर्जा डेवलपमेंट का एक स्टेज गुजर गई, बचपन गुजर गया, तो एडोल्सेंट पीरियड में आके हम वापस बच्चे को, उस फर्द को बचपन में नहीं ले जा सकते। नशोनुमा की ऐसी मिसाल तालीम और ताल्लुम में भी पेश की जा सकती है। यही हाल आदात और अतवार का भी है। एक आदत को पैदा करके और इसे फर्द की शख्सियत में उभरने का मौका देकर फिर इस फर्द को इस हालत पर नहीं लाया जा सकता कि वो आदत पैदा नहीं हुई थी। ठीक है, यानी जब एक दफ़ा एक चीज़ डेवलप हो जाती है, एक डेवलपमेंट हो जाती है इंसान की पर्सनैलिटी में या किरदार में, तो उसको उस प्रोसेस को रिवर्स करना या उस चीज़ को वापस ले जाना जो है वो मुमकिन नहीं है। मुंदरजा बाला मुफक्किरीन की राय की रोशनी में नशोनुमा की तारीफ़ यूँ की जा सकती है। अब ये इन्होंने एक कॉम्पैक्ट जामे तारीफ़ बयान कर दी है नशोनुमा की। ज़िंदगी में पेश कदमी करने के साथ साथ इन मुख्तलिफ अदवार में जो तगैरात और तब्दीलियाँ किसी फर्द में रूनुमा होती हैं, इन्हें नशोनुमा का नाम दिया जाता है। ये तब्दीलियाँ मस्बत और मनफी दोनों किस्म की होती हैं, यानी लाइफ जैसे जैसे एक इंसान की प्रोग्रेस करती है उसमें जितनी भी चेंजेस या तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं, इनका नाम, इनको हम नशोनुमा या डेवलपमेंट का नाम देते हैं। और डेवलपमेंट्स जो हैं वो पॉजिटिव भी होती हैं, मस्बत भी होती हैं और मनफी भी, नेगेटिव भी हो सकती हैं, दोनों तरह की डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। डेवलपमेंट के लफ्ज़ को या टर्म को हम सिर्फ पॉजिटिव डेवलपमेंट से जो है वो स्टिक नहीं कर सकते, इसमें दोनों तरह की होती हैं। इसीलिए मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि डेवलपमेंट पे जो दो चीज़ें बेसिक दो अवामिल या फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं वो एक इनहेरिटेंस है विरासत, और नंबर टू पे हमारा आता है माहौल या एनवायरनमेंट। ठीक है, ये हम आगे इन डिटेल पढ़ेंगे। इन दो चीज़ों की ज़ेर असर डेवलपमेंट पॉजिटिव भी होती है और इन्हीं की वजह से डेवलपमेंट नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, ये इस चीज़ को अच्छी तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इन डेफिनेशंस को याद कर लें, इस चीज़ को समझ के पढ़ लें, क्योंकि आगे जो है ये फिर ताकि कन्फ्यूजिंग ना हो। आपके नेक्स्ट टॉपिक होगा डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ये दोनों जो हैं, इन चीज दोनों का डिफरेंस आपको समझना जो है वो ज़रूरी है। ठीक है।